हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना जो टॉपिक हैगा वो हैगा सीएनसी मशीन्स ते। ते आज जड़ा अपना सीएनसी मशीन्स बारे डिस्कस करांगे, सीएनसी बारे, एनसी बारे ते डीएनसी बारे। ठीक है जी, सब तो पहला अपना एनसी बारे डिस्कस करांगे, फिर सीएनसी बारे करांगे, फिर डीएनसी बारे करांगे। ते प्लस इन्हां दीआं एडवांटेजेस प्लस डिसएडवांटेजेस नूं भी अपना गो थ्रू करांगे इन्हां दे विच। ठीक है जी, कि इन्हां दी एडवांटेजेस ते डिसएडवांटेजेस की है, एप्लीकेशंस की ने। ठीक है, मेन मतलब इन्हां दी एप्लीकेशंस की ने। चलो लेट्स स्टार्ट विद दी फर्स्ट मशीन, दैट इज एनसी मशीन, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स। ठीक है, सब तो पहला की हुंदा सीगा जदों अर्लीयर डेज दे विच द मशीन ऑपरेटर हैड टू लीन ऑन द मशीन फॉर टू प्रोड्यूस एन आइटम विच लेड्स टू एन अनड्यू फिजिकल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सब तो पहला की है जदों मशीनस सी एन सी मशीनस नहीं हुंदियां सी तां एक वर्कर नूं एक आइटम प्रोड्यूस करन लई, एक कंपोनेंट प्रोड्यूस करन लई बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेस ते स्ट्रेन लेना पैंदा सी, क्योंकि उहदे विच की है एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना पैंदा सीगा। ठीक है, मशीनस के कंपोनेंट्स की डिमेंशनस वगैरह भी देखनिया पैंदियां सी, मतलब हर तरह की उन्होंने एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना पैंदा सी, विच लेड्स टू दी लॉस ऑफ एफिशिएंसी इन दी कन्वेंशनल मैथड्स। मतलब वो दी जड़ी एफिशिएंसी है वो पूरी नहीं दे पाँदा सी, 100% अपने आप नूं एफिशिएंसी नहीं दे पाँदा सी। ठीक है, जिस करके की है वी हैव टू रिक्वायर्ड दी वेरी स्किलफुल स्किल्ड ऑपरेटर्स इज रिक्वायर्ड टू रीड दी ड्रॉइंग एज वैल एज चैक द डिमेंशन ऑफ द कंपोनेंट्स बीइंग प्रोड्यूस। मतलब नाल दी नाल वो ड्रॉइंग नूं भी रीड कर सके ते नाल दी नाल वो कंपोनेंट नूं प्रोड्यूस भी कर सके ते विदाउट एनी फॉल्ट वो एक वधिया कंपोनेंट नूं भी प्रोड्यूस करके दे सके। ठीक है, इन एडिशन टू हैंडल द मशीन विद इनक्रीज इन डिग्री ऑफ कॉम्पलैक्सिटी ऑफ द कंपोनेंट द टाइम टू प्रोड्यूस कंपोनेंट विल बी मोर। मतलब जिन्ना ही कॉम्पलैक्स कंपोनेंट आ जाता सीगा तां उहदे विच की है जिहड़ा टाइम टू प्रोड्यूस वन कंपोनेंट विल बी मोर। सो मोर टाइम फॉर मैनुफैक्चरिंग मीनस इनक्रीज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। जिन्ना टाइम ज़्यादा लगेगा उन्ना की है जिहड़ी की है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट की है इनक्रीज हो जूगी। इवन अ स्मॉल मिसटेक लैड टू अ लॉस ऑफ टाइम एंड इनक्रीज इन द मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट। जे एक भी छोटी जी भी गलती हो जाती सी तां उहदे विच की है सारा कंपोनेंट ही खराब हो जाता सी, तां विच ऑलसो लैड्स टू द इनक्रीज इन द मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट। सो टू ओवरकम दीज सैवरल प्रॉब्लम्स नंबर ऑफ इम्प्रूवमेंट्स हैव बीन मेड इन द कन्वेंशनल मशीन्स। सो इनिशियली ऑल मशीन्स वर मेड ऑटोमैटिक बाई यूज ऑफ इलैक्ट्रोमकैनिकल रिलेस। मतलब सब तो पहला की सी फिर उन्होंने इलैक्ट्रोमकैनिकल रिलेस का यूज करके ऑटोमैटिक मशीन्स नूं बनाया गया, बट द साइज ऑफ द मशीन्स वर वेरी क्वाइट लार्ज एंड दे आर नॉट रिलायबल फॉर दीज एप्लीकेशंस। मतलब मशीन्स का साइज बहुत वड्डा हो गया ते वो रिलायबल भी नहीं सीगियां इन्नियां कि वह ईजीली आपां उहते वर्क कर सकीए। ठीक है, दैन एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर यूज ऑफ मशीन्स ऑटोमैटिकली। दीज आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग अर्थमैटिक एज वेल एज लॉजिकल डाटा एंड वाइल डिजाइनिंग अ सूटेबल प्रोग्राम। मतलब वो अर्थमैटिक एज वेल एज लॉजिकल डाटा नूं वो ईजीली मतलब अंडरस्टैंड कर रही सी मशीन ते उसनूं आपां ईजीली यूज कर सकते सी। द मशीन विल बी कंट्रोल्ड बाय द डिजिट्स अल्फाबैटिक करैक्टर्स सिंबल्स और कॉम्बीनेशन ऑफ फोर। जिहड़ा अपना प्रोग्राम सी वो डिजिट्स का भी हो सकता सी, अल्फाबैटिक करैक्टर्स भी आपां यूज कर सकते सी, सिंबल्स भी यूज कर सकते सी, प्लस एज वैल एज वी कैन यूज ऑल ऑफ दीज। According to Electronic Industry Association, numerical control machine is defined as the system in which actions are controlled by the direct insertion of the numerical data at some point. The system must automatically interpret at least some portion of this data. मतलब जड़े किया अपना यूज कर सकते सी कि
एनसी मशीन्स की आप जो डेफिनेशन दईए द मशीन्स डैट आर ऑटोमैटिकली ऑपरेटड बाय द कमांड्स विच आर रिसीव्ड बाय देयर प्रोसैसिंग यूनिट आर कॉल्ड एनसी मशीन। एनसी मशीन्स इज न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स एंड दीज कमांड्स आर गिवन इन फॉर्म ऑफ कोडिड इंस्ट्रक्शनस। जड़ियाँ कमांड सीगियाँ वो किदे विच सी कोडिड इंस्ट्रक्शनस सीगियाँ ते विच आर एक्सप्रेस्ड नॉट ईजीली थ्रू न्यूमरल्स बट ऑलसो थ्रू द लैटर पंचुएशन मार्क्स एंड अदर सिंबल्स। आपां उहदे विच कल्ली न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं यूज करते सी, आपां एज वैल एज उहदे विच लैटरस भी यूज करते सी, सिंबल्स भी यूज कर सकते सी। द कमांड्स और इंस्ट्रक्शन आर फैड थ्रू एन एक्सटर्नल मीडियम। जी आप कमांड्स नू इंस्ट्रक्शनस जड़ियाँ आप फैड करते सी मशीन्स दे विच वो आप एक्सटर्नल मीडियम के थ्रू फैड करते सी। फॉर एग्जाम्पल जिमें कि पंच कार्ड हो गया, ठीक है जी, पंच टेप होगी, तो मैगनैटिक टेप होगी, ठीक है, इन्हों के थ्रू आप उस उपर प्रोग्राम नू पंच करते होंगे सी, तो आप जड़ी विद द हेल्प ऑफ दीज मैगनैटिक टेप और पंच टेप वी कैन फीड द प्रोग्राम इन टू द मशीन एंड कंपोनेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस यूजिंग दिस। ठीक है, तो नैक्सट अपने को आ गया क्या द प्रोग्रामिंग कंटेनिंग द रिक्वायर्ड डाटा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट। जड़ा भी आप कोई कंपोनेंट नू प्रोड्यूस करना आप जो डाटा होंदा सीगा उनू आप की है एक पंच टेप के उत्ते पंच कर लेंदे सीगे। ठीक है, पंच जड़ा डाटा वा वो आप राइट नहीं करते सी, आप उनू पंच करते सी पंच टेप के उत्ते। ठीक है, दैन द डाटा ऑन द टेप इज फोन ऑफ फॉर्म ऑफ बाइनरी कोड, मतलब बाइनरी कोड दे इन फॉर्म ऑफ बाइनरी कोड आप डाटा की सी आप पंच टेप के उत्ते मतलब पंच करके दैन रीड द डाटा एंड इज स्टोर्ड इन टू द मैमरी ऑफ द कंट्रोल सिस्टम विच इज कॉल्ड द बफर स्टोरेज। आपू की कहें बफर स्टोरेज एंड इज प्रोसैसड बाय द मशीन स्टैप बाय स्टैप। तो मशीन की है जिमें जिमें वह पंच टेप के उत्ते डाटा चल जिमें मशीन वो डाटे को रीड करी जाती सी उस तरह की है मशीन अपना वर्क करी जाती सी। ठीक है, सो वैन मशीन इज वर्किंग ऑन वन इंस्ट्रक्शन ब्लॉक द नैक्सट ब्लॉक इज रीड फ्रॉम द टेप एंड लोड इन द मैमरी ऑफ द मशीन कंट्रोल सिस्टम। जिमें कि प्रीवियस ब्लॉक पर मशीन वर्क कर रही है तो अगली ब्लॉक न ईजीली रीड करके उन्होंने लोड कर लेंगे सी मशीन की मैमरी के मशीन की मैमरी के लोड करके तो जड़ा की है कंपोनेंट न ईजीली इन लैस टाइम वी कैन प्रोड्यूस द कंपोनेंट्स। ठीक है, वैन द ऑपरेशन हैज़ बीन कंप्लीटिड, जदों ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता सी तो इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बफर स्टोरेज इट ट्रांसफर टू द एक्टिव स्टोरेज। मतलब जड़ी बफर स्टोरेज दे विच आपा इंफॉर्मेशन स्टोर सी वो ट्रांसफर हो जाती सी एक्टिव स्टोरेज दे विच। ठीक है, दैन इंश्योरेंस कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ द प्रोग्राम। इसते एक आपां मैं फ्लो चार्ट दिता हुआ जिदे विच की है एक मायरिंग सिस्टम है, ठीक है, एक कंट्रोल्ड एक्सिस ने, एक ड्राइव लगी हुई है, एक कंट्रोल यूनिट है, इनपुट डिवाइस है। देखो इनपुट डिवाइस तो शुरू होया वो कितने गया, कंट्रोल यूनिट दे विच गया, कंट्रोल यूनिट तो की है मेयरिंग सिस्टम ने की किया फीडबैक दी ड्राइव नू, ड्राइव ने अगे की करना कंट्रोल्ड जेडे ड्राइव नू कंट्रोल्ड एक्सिस नू मतलब ड्राइव देनी है। ठीक है जी, जिमें ड्राइव ने कंट्रोल्ड एक्सिस नू मतलब मशीन नू स्टार्ट करता तो उसने कुछ प्रोडक्शन स्टार्ट करती, जिते तक वो रुक गई तो मेयरिंग सिस्टम नू आपा जिते तक उन्होंने डिमेंशनस दिती होगी उत्थे तक मेयरिंग सिस्टम ने उन्होंने फीडबैक भेज देनी है ड्राइव सिस्टम नू, ड्राइव सिस्टम ने की है या उन्होंने स्टॉप कर देना है या अगे जे अगे मैनुफैक्चरिंग की लोड़ है तो उन्होंने अगे मशीन नू मैनुफैक्चर पार्ट नू कंपोनेंट नू मैनुफैक्चर कर सकते। ठीक है जी, ये फंक्शन ऑफ टेप रीडर, तो टेप रीडर का की फंक्शन होगा आफ्टर द कोरसपोंडिंग डाटा टू द डीकोडर। मतलब डाटा की है डीकोड किया जाऊगा टेप तो, द डीकोडर जनरेट्स सैंपल्स फॉर ऑल स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट गिवन टू इट। जेडे डीकोडर है
स्टार्टिंग जिहड़े एंड पॉइंट गिवन होणगे तां उह मशीन नूं स्टार्ट कर देगा। आफ्टर दी सिग्नल्स आर एम्पलीफाइड एंड गिवन टू द स्टैपर मोटर, तां उह स्टैपर मोटर नूं की है सिग्नल्स दूगा विच कंट्रोल्ड विच टर्न दी ऑपरेट्स दी मशीन एलीमेंट। जिवें कंट्रोल्ड एक्सिस ड्राइव्स वालों ही विद द हेल्प ऑफ ड्राइव्स वी कैन कंट्रोल द एक्सिस ऑफ दी मशीन। सो इन दिस वे द सिग्नल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दी कंट्रोल यूनिट टू दी ड्राइव एक्सिस दैन ड्राइव दैन दीज आर इतों की है आप जड़िया एक्सिस आ मशीन दंट्रोल्ड कर सकते। द फीडबैक इज टेकन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है, जोड़ा फीडबैक सिस्टम आ मेयरिंग सिस्टम जोड़ा दिखा हुआ वह आप ट्रांसड्यूसर्स के नाल फिट किया हुआ। द फीडबैक इज कंपेयर्ड विद द इनपुट डाटा एंड फर्दर द एरर सिग्नल्स आर जनरेटिड टू मूव द ऑपरेटिव टिल आउटपुट मशीन इनपुट, ठीक है। दिस हैज टू रन रिपीटेडली डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड। आप नंबर ऑफ टाइम्स प्रोग्राम रन कर सकते सी एज पर आवर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपोनेंट्स। If there is a minor change in the component, the tape has to be discarded. This is the main disadvantage of the punch tape. कि जे अपना थोड़ी बहुती भी चेंज करनी पैंदी, लिटल मिस्टेक हो जाए या कुछ अपना कंपोनेंट दे विच डिमेंशंस वगैरह का चेंज करना, तो अपन पूरी दी पूरी टेप नूं ही डिस्कार्ड करना पैंदा सीगा। ईजीली जड़ी की आ आपां उन्हूं एडिट नहीं कर सकते सीगे ये प्रोग्राम, ठीक है। पर एज कंपेयर टू सीएनसी मशीन वी कैन ईजीली एडिट, ठीक है। सो एंड न्यू टेप विद अ चेंज प्रोग्राम टू बी प्रोड्यूस्ड, आपां नूं एक नवी टेप बनाउणी पैंदी सीगी विद ए न्यू प्रोग्राम विच हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। दिस इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द एनसी मशीन, ठीक है। तो एनसी मशीनस की है आप ज़्यादा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। दैन द फीचरस ऑफ द एनसी मशीन टूल, ये की है कंट्रोल्ड यूजिंग न्यूमेरिकल डाटा, आप न्यूमेरिकल डाटा कंट्रोल्ड कर सकते सी, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी प्रिसीजन एंड रिलायबिलिटी, हाई मटीरियल रिमूवल कपैसिटी एज कंपेयर टू कन्वेंशनल मशीनस, हाई प्रोडक्टिविटी, इनक्रीज्ड टूल लाइफ, रिड्यूस्ड इंस्पैक्शन एंड बैटर प्लैनिंग एंड शड्यूलिंग, ठीक है। आप बैटर प्लैनिंग भी कर सकते सी, नंबर ऑफ टाइम रिड्यूस कर सकते सी, आप जो कि है लीड टाइम है वह आप घटा सकते सी मशीन का। नैक्सट आ गया जी अपने को डिसएडवाटेजिज की ने, डिसएडवाटेजिज ऑफ द एनसी मशीन, पंच टेप गैट्स डैमेज आफ्टर नंबर ऑफ यूज। आप नंबर ऑफ यूज जो हो जाती सी तो आप पंच टेप में की है दोबारा यूज नहीं कर सकते, इसकी वो डैमेज हो जाती है, तो डैमेज के नाल आपां दोबारा न्यू टेप यूज करनी पैंदी है, ठीक है जी। फिर पंच टेप रीडर्स आर नॉट रिलायबल, ऑनलाइन चैटिंग एंड एडिटिंग ऑफ प्रोग्राम इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब जी मैं थोड़ा दसिया कि ऑनलाइन चैटिंग ते एडिटिंग ऑफ द प्रोग्राम इज़ नॉट पॉसिबल इन एनसी मशीनस दे विच एडिटिंग ते चैटिंग ऑफ प्रोग्राम इज नॉट पॉसिबल। दैन इनवैसटमेंट एंड मेनटेनेंस कॉस्ट इज मोर, मतलब जी इनवैसटमेंट है तो मेनटेनेंस कॉस्ट है इट इज़ मोर एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल मशीनस। दैन रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रेन परसोनल फॉर द ऑपरेटिंग द एन सी मशीन, वी हैव टू रिक्वायर द स्किल मैन पावर टू ऑपरेट द एन सी मशीनस। एंड दिस इज द components of the NC machine. NC machines are programmable machine, so we need an input medium to give instruction and generates the required signal. The main components of the NC machine is instruction. First one is the program unit which gives commands or instructions. We have given the instructions to the control unit and this is the processing unit, machine controller unit. This is the processing unit. This instructions are processed and then passed to the operating unit. This is machine tool. Then machine will operate and required component is produced after
फ्रॉम दीज इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, आपां इंस्ट्रक्शंस तो जड़ी की है पंच टेप ते आपां नू टेप की टाइप किया है पंच किया है प्रोग्राम वो तो आपां की है रिक्वायर्ड कंपोनेंट नू प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट दिस इज द इंस्ट्रक्शंस द सीक्वेंस ऑफ कमांड्स रिक्वायर्ड टू कन्वे द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन टू द मशीन इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस। द सीक्वेंस ऑफ कमांड्स रिक्वायर्ड टू कन्वे द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन टू द मशीन इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। और द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डेट कमांड द मशीन इज यूजली कोटेड एंड रिप्रजेंटेड इन इनपुट मीडियम। आप जी इंस्ट्रक्शन आ वो की है कि इनपुट मीडियम है तो आप इनपुट मीडियम की करते हैं आप कंट्रोल यूनिट के सेंड करते हैं, कंट्रोल यूनिट उन्होंने डीकोड करता है इनफॉर्मेशन, दैन इट्स सप्लाइज टू द ड्राइव, दैन इट ड्राइव अगेन द स्टेपर मोटर्स और नंबर मोटर्स आर यूज टू ड्राइव द मशीन। दैन मशीन कंट्रोल यूनिट द एम सी गैट्स द इंफॉर्मेशन एंड डाटा फ्रॉम द इनपुट एलिमेंट, दे परफॉर्म द रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन सिमिलर टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डेट इज सी पी यू। दैन मशीन कंट्रोल यूनिट हैज़ इट्स ओन मेमरी decision and making circuits and arithmetic manipulation which is used to process the data। मतलब जिहड़ी मशीन है मशीन कंट्रोल यूनिट है उहदा अपनी मैमरी भी है, उहदी अपनी डिसीजन मेकिंग सर्किट्स लगे हुए ने, अर्थमैटिक मैनिपुलेशन सर्किट्स लगे हुए ने विच इज यूज टू डीकोडेड द डाटा। दैन एम सी यू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्म द ऑपरेशन इन द फॉलोइंग स्टेप्स, गैट एन इनपुट टू एन इनपुट मीडियम दैट इज फ्रॉम पंच टेप, आप पंच टेप तो इनपुट मीडियम लिया। ठीक है जी, दैन कंपेयर द कमांड्स विद लुकअप टेबल एंड देयर बाय अंडरस्टैंड इट। दैन इफ द एक्शन इज अ कॉज अ स्लाइड मूवमेंट दैन एम सी यू जनरेटेड द रिक्वायर्ड सिग्नल टू ड्राइव द कॉरस्पॉन्डिंग मकैनिज्म। दैन इट गेट्स द फीडबैक फ्रॉम द ट्रांसड्यूसर, we get the feedback from the transducer and again pass to the drive units, then monitor that monitor the slide position based on the feedback, initiate further control action of the machine। theek hai, then this is the comparison of the conventional and numerical control machine। this is the conventional machine, this is the hand wheel dial and this is the lead screw, this is the table spindle। conventional machine slide is moved by the operator manually turning the hand wheel, accurate position is not accomplished by the operator completely as the operator counting the number of revolutions made on the hand wheels plus graduation of the dial। matlab jehda ki hai ek operator hai wo pure जिहड़ी एक्यूरेसी नाल की है एक कन्वेंशनल मशीनस ते उह पार्ट नहीं मैनुफैक्चर कर सकता विच रिक्वायर्ड मोर एक्यूरेसी एज कंपेयर एज वी हैव टू मेड दीज पार्ट्स ऑन दी सी एन सी मशीनस। ठीक है, तो नैक्सट अपना जिहड़ा एन सी मशीन दे विच की है न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीनस दे विच की है, इट टेक्स द कमांड पोजिशन फ्रॉम द एन सी प्रोग्राम। आप एन सी प्रोग्राम पंच टेप ते टाइप किया हुआ पंच किया हुआ, दैन ड्राइव मोटर इज रोटेटिड अ कोरसपोंडिंग अमाउंट, आप जी जिन्ना प्रोग्राम के लिखे उन्ना ही ड्राइव मोटर ने उन्होंने फीड देनी है। ठीक है, अमाउंट विच इज टर्न ड्राइव द वॉल स्क्रू, दिस इज द वॉल स्क्रू। ठीक है, दिस इज द स्लाइड मूवमेंट, दिस इज द स्पिंडल ऑफ द मशीन, दिस इज ड्राइव मोटर एंड दिस इज द फीडबैक सिग्नल एम सी यू मशीन कंट्रोल यूनिट of the machine and causing linear motion of the axis, the feedback device confirm the proper amount of ball screw and revolution has occurred। जिन्ना feedback ने उन्हों देना कि उन्ना ही और revolutions जेड़े ball screw है वो उन्ना ही rotate करूँगा जिन्ना कि feedback दे signals उन्हों कह रहे हैं। ठीक है जी, next आ गया अपने call, इट इज यूज टू परफॉर्म ऑल द बेसिक एंड फंक्शंस एज पर कंट्रोल्ड प्रोग्राम स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। मतलब जिन्हें अपनी बेसिक फंक्शंस है एज पर कंट्रोल प्रोग्राम
stored in the memory of the computer. Thus, machine control the data comes directly from the computer memory and not for the continuous days as in case of hardwired. This is the hardwired NC system. The use of computer make this system flexible so that system can operate on different types of machines too. The main function of CNC machine tool is to control the machine tool, which involves convert part program instructions into the machine tool motion. मतलब जेड़ा प्रोग्राम है वो जेड़ा पार्ट प्रोग्राम है वो उन इंस्ट्रक्शंस नु किदे विच कन्वर्ट कर देंदा वा वो मशीन टूल मोशन दे विच कन्वर्ट कर देंदा विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर इंटरफेस एंड विद द हेल्प ऑफ सर्वो मोटर्स. मतलब इहदे विच की है मेन एक डाटा वा इंस्ट्रक्शंस डाटा वा प्लस इहदे विच मशीन टूल मूवमेंट है. ठीक है जी, मशीन टूल मोशन होगा जेड़ा किदे नाल rotate karuga with the help of interface. We have used number of softwares. Theek hai, so servo motors we have fitted in the CNC machines. A servo motor, a CNC machine has got its capability to conveniently incorporate a variety of control feature into soft wired controlled units. Matlab apa with the help of software we can controlled the machines. The term soft-wired system is also used because of the fact the control logic for the machine tool is generated by the software program. Jada soft-wired means jada apna program ki to generate hona ma software program to. Where is your availability of the memory? We can store a number of programs in the memory of the computer. The capability to edit program real advantage. The in NC machine we can't edit the punch tape. We have to make a new one for that. So the capability, the main advantage is that we have added the program. For example, this is the dia of the shaft and it's to be dia 10. And we have to make the die of 15, so we can easily change this 10 into 15 without without changing the whole program. We can change only this value. Okay, any minor changes in the design of the component using the ability of the computer, the movement of the cutting tool in a program, and the final shape of component to be produced can be shown on the monitor screen without actual machine. First of all, we can use simulations. In number of softwares are came with the CNC machines for the simulation. We can feed the program into that simulation and we can easily which is easily shown on the monitor screen without any actual machining. अपना एक्चुअल मशीन मशीनिंग करन तो बिना ही पहला उन्हों अपना प्रोग्राम नू चला के दे सकते हैं. जे अपना उस दे विच कोई डिफिकल्टी आ रही है या कोई प्रॉब्लम आ रही है प्रोग्राम दे विच अपना इजीली चेंज कर सकते हैं विदाउट डूइंग द एक्चुअल वर्क ऑन द मशीन एंड प्रिवेंट नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स वाइल यूजिंग दिस सिमुलेशन प्रोग्राम्स and take place and the troubleshooting of the program can easily solved. Next is the features of the CNC machines. What are the features of the CNC machine? This control of machine, single machine, in other words dedicated to a single machine tool. Okay, then it is located very near to machine. It allowed storage of program directly using keyboards. The keyboards are also attached with the machines, or we can transfer the program with the help of pen drive or by using online system. We can directly send to the machine memory. Then there are two types of CNC machines. Okay, which first CNC machine is the straight CNC machine using a computer to perform all the numerical control functions. The only hardwired components are those required to interface the computer with the machine tool and operator console. Means
ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਤੇ ਸੀਐਨਸੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਸੀਐਨਸੀ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਲੌਜਿਕ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਸੌਫਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਪਰਫੋਰਮ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਡ ਰੇਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਇੰਟਰਪੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਟੂ ਆਰ ਪਰਫੋਰਮਡ ਬਾਏ ਦੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ ਦਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਪਰਫੋਰਮਡ ਬਾਏ ਦੀ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਦਾ ਪਰਫੋਰਮਡ ਬਾਏ ਦੀ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਸੀਐਨਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਸੀਐਨਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ as compared to the hybrid CNC machine matlab jehdi more flexible hai as compared to second type of the CNC machine and the computer used in straight CNC machine is more powerful than the computer using hybrid CNC machine ठीक है ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਟਾਈਪ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਸੀ ਐਨ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈਬਰਡ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਆਫ ਸੀ ਐਨ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸੀ ਐਨ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਆਫ ਸੀ ਐਨ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਫਸਟ ਇਟ ਰਿਡਿਊਸ ਦੀ ਲੀਡ ਟਾਈਮ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਰਿਡਿਊਸਡ ਲੀਡ ਟਾਈਮ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੀਡ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੈਟਸ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਐਂਡ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਗੈਟਿੰਗ ਰੈਡੀ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨਕਲੂਡਸ ਦੀ ਟਾਈਮ ਫੋਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇਨ ਜਿਗਸ ਐਂਡ ਫੀਚਰਸ ਅਸੈਕਟਰਾ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਲੀਡ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਗੈਟਸ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਡਰਾਇੰਗ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੀਆਂ ਡਰਾਇੰਗਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਗੈਟਿੰਗ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੀਡ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਲੀਡ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਫਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਨਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ As we know that these are fully automatic machines, so production is more than as compared to the conventional machines. Okay, CNC increases the proportion of time and the machine is engaged in actual process. That is machining. This is achieved with less steps. We can achieve the manufacturing of the component with the least steps. Okay, upon less steps then all. ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਆ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਲ ਵੀ ਹੈ ਪਲੇਟ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਫੇਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੂਲਸ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜਡ ਬਟ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸੀ ਐਨ ਸੀ ਵੀ ਹੈਵ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਏ ਟੀ ਸੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟੂਲ ਚੇਂਜਰ ਐਂਡ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟੂਲ ਚੇਂਜਰ automatically changes the tool and perform the functions and perform the required manufacturing steps in the manufacturing of that component
दैट इज नेक्स्ट इज द लोंगर टूल लाइफ, टूल लाइफ बिकम लोंगर, ठीक है जी, लोंगर टूल लाइफ अकॉर्डिंग टू द मटीरियल ऑफ द वर्क पीस, द स्पीड एंड फीड ऑफ द टूल कैन इजिली सिलेक्टेड एक्यूरेटली, आप विद द हेल्प ऑफ मशीन वी कैन इजिली एक्यूरेट चूज द स्पीड एंड फीड ऑफ द टूल एंड दिस रिड्यूस द वीयर एंड टीयर, वीयर एंड टीयर रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है जी, वीयर एंड टीयर घट होगी तो की है जी अपनी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू की होगी टूल लाइफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू की होगी टूल लाइफ होगी, जिन्नी वीयर एंड टीयर घट होगी उन्नी टूल लाइफ ज़्यादा हो, ठीक है, तो जिन्नी वीयर एंड टीयर ज़्यादा होगी उन्नी टूल लाइफ की है घट होगी। नेक्स्ट इज द टूल स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है, एज टूल्स आर मोर रेडिली लोकेटेड इन द कंप्यूटर कंप्यूटर टूल सिस्टम इंडेक्स सिस्टम एंड हैंस देयर इज नो सेपरेट स्टोरेज सिस्टम ऑफ द टूल्स कॉजिंग रिडक्शन इन द टूल स्टोरेज कॉस्ट, मतलब आप जी ATC दे विच ही टूल्स नू स्टोर कर सकते हैं, तो एक बार उते टूल्स स्टोर हो गए तो बार बार जड़े आपां की है उन्होंने दोबारा खोलना या बनना वो की है वो नहीं कर सकते, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ATC वी कैन टूल स्टोरेज कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड एंड लोअर लेबर कॉस्ट एज एक्चुअल कटिंग टाइम इन द CNC मशीन इज मोर दैन द कन्वेंशनल मशीन सिंस द सेटिंग टाइम इज लोअर, मतलब थोड़ा जहा टाइम ज़्यादा लगता है एक एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल मशीन सिंस द जड़ी सैटिंग जोड़ा कन्वेंशनल मशीन के आप सेंटर वगैरह क्ढन तो टाइम वेस्ट करते हैं वो की है CNC के ईजीली जी सैटिंग हो जाती है, एज ऑलसो वन ऑपरेटर कैन रन ऑन टू मशीन्स और मल्टीपल मशीन्स एंड यूज रिजल्टिंग इन रिड्यूस द लेबर कॉस्ट, एक आप जिमें एक कोई मतलब ऑपरेटर है वो एक या दो तीन मशीन्स नू भी ऑपरेट कर सकता है, ठीक है, जिमें CNC लगी आ भी CNC लगी है तो एक ऑपरेटर की है दो या तीन मशीन मल्टीपल मशीन्स नू भी ऑपरेट कर सकता है, ठीक है, तो वो की है अपनी जड़ी की है लेबर कॉस्ट पर भी अफेक्ट पैंदा, लेबर कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है विद द हेल्प ऑफ CNC मशीन, दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ द CNC मशीन, एलीमीनेशन स्पैशल जिग्स एंड फिक्सचर्स, ठीक है जी, आप जड़े की है एलीमीनेट कर देंदा यूज ऑफ स्पैशल जिग्स एंड फिक्सचर्स नू भी रिड्यूस आप जी उ कॉस्ट घटा सकते हैं, ठीक है। नैक्सट आ गया अपना रिड्यूस्ड इंस्पैक्शन, इंस्पैक्शन भी रिड्यूस्ड कर सकता है, ठीक है जी, इंस्पैक्शन भी अपनी रिड्यूस हो सकती है, दैन एलीमीनेशन ऑफ ऑपरेटर एरर, आप ऑपरेटर एरर की भी जी एलीमीनेशन है वो भी रिड्यूस हो सकती है, ठीक है जी, ऑपरेटर एरर इन द सेंस द मशीन इज कंट्रोल्ड बाई प्रोग्राम्स ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द मैमरी ऑफ द कंप्यूटर, द प्रोग्राम इज चेकड बिफोर इट इज रन गोज टू द मशीन सो एरर विल बी अकर सो नो एरर विल बी अकर इन द जॉब, इफ देयर इज एन एरर वी कैन ईजीली फाइंड आउट इन सिमुलेशन बिफोर डूइंग एक्चुअल मशीनिंग ऑफ द कंपोनेंट, दैन इज द लेसर स्क्रैप, द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम एलिमिनेट्स मोस्ट ऑफ द ह्यूमन एरर, एज ह्यूमन एरर इफ ह्यूमन एरर इज देयर दैन नंबर ऑफ एरर ह्यूमन एरर इज देयर दैन देयर इज ए लॉट ऑफ स्क्रैप विल बी लॉट्स ऑफ स्क्रैप्स नंबर ऑफ वी कैन से दैट इनकरेक्ट होल इनकरेक्ट एरर लोकेशंस और आर एंटायरली एलिमिनेटेड विद द यूज ऑफ दिस एंड दिस रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ स्क्रैप बाय मोर दैन 50%, मतलब जी कॉस्ट ऑफ स्क्रैप आप 50% तो भी ज़्यादा उन्होंने रिड्यूस कर सकते हैं, दैन फ्लैक्सीबिलिटी इन चेंजिज ऑफ कंपोनेंट डिजाइन, ठीक है, आप फ्लैक्सीबिलिटी भी लिया सकते हैं कि जी कंपोनेंट डिजाइन के बेच की है फ्लैक्सीबिलिटी भी आ सकती है, फ्लैक्सीबिलिटी इन कंपोनेंट
डिजाइन, ठीक है। कंपोनेंट डिजाइन के फ्लैक्सीबिलिटी आप यूज कर सकते हैं, किसी भी टाइम आप चेंज कर सकते हैं, प्रोग्राम को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। जिमें एक पार्ट आप पहला कोई पहला पार्ट से उसका कुछ डाया रख लेने कि इस डाया जोड़ा है आप 10 लिया, फिर नैक्सट पार्ट आप जो मैनुफैक्चर करना आप जस्ट ओनली वॉन्ट टू चेंज दिस नंबर इंटू 15, वी कैन ईजीली चेंज ओके विदाउट डिस्ट्रॉइंग द फुल प्रोग्राम और री राइट द फुल प्रोग्राम अगेन, एंड इट ऑल्सो रिड्यूस्ड स्पेस फ्लोर स्पेस, ठीक है, फ्लोर स्पेस, लार्ज फ्लोर एरिया इज सेव्ड बिकॉज अ सिंगल मशीन कैन डू नंबर ऑफ ऑपरेशंस इन वन टाइम, ठीक है, सिंगल मशीन कैन परफॉर्म नंबर ऑफ ऑपरेशंस, देन रिडक्शन इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एज वी हैव इफ वी यूज्ड कन्वेंशनल मशीन, फॉर एग्जांपल दिस इज द लेथ मशीन एंड दिस इज द ड्रिल मशीन एंड दिस इज द मिलिंग, वी हैव टू परफॉर्म ऑल द वन कंपोनेंट परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस ऑन दीज थ्री मशीन्स, वी हैव टू यूज नंबर ऑफ थ्री मशीन नंबर ऑफ डिफरेंट मशीन्स, सो दिस विल वी हैव नीड ए हेल्पर टू ट्रांसपोर्ट दिस पार्ट टू टू दीज मशीन्स, बट इन सी एन सी मशीन इन लेथ वी हैव सी एन सी लेथ वी हैव नंबर ऑफ ड्रिल मशीन इज वी कैन डू ड्रिल इन सी एन सी लेथ ऑल्सो, ठीक है। तो आप जड़ी की है दिस रिड्यूस द मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट विच इन टर्न रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, द टाइम स्पेंड इन अवेटिंग अवेलेबिलिटी ऑफ द मशीन इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। नेक्स्ट एक्यूरेट कॉस्टिंग, एक्यूरेट कॉस्टिंग in CNC machine the time machining is predictable, we know that in that time we can complete the required machining, so consistent and results in greater accuracy is in estimating and the consistency in costing. Next is the less skilled operator, less skilled people can operate CNC machine, unlike conventional machines required greater skills to perform number of operations on the conventional machines, less paperwork, okay, in process inventory get reduced due to reduction in lead time and faster setup time, and this in turn reduces the paper as well as the scheduling is reduced. Then ease of assembly and interchangeability, these are the main examples of the CNC machine. Next are the disadvantages of CNC machines, okay, then disadvantages, initial high cost, we required number of initial high cost in the starting while purchasing the machines as compared to the conventional machines, as these cost around to 10 to 15 to 20 lakh, higher maintenance cost, as high maintenance cost, these are the main disadvantages, high maintenance cost, as a service of the CNC maintenance cost will be about 5000 for 1 hour, then costlier CNC personnel. Certain aspects of CNC machine require higher skill level than the conventional machine, so part programming and CNC maintenance are two areas in CNC machine. There are two parts, this is the part programming in which we have to type a program for manufacturing the part, and next is the maintenance of the CNC machine. This required the higher skill, ठीक है, without any skill we can't do this part programming as well as the maintenance of the CNC machine. Next is the increased unemployment, main disadvantage which our country is facing now is the increased
अनएम्प्लॉयमेंट एज वन मशीन कैन डू द वर्क ऑफ 10 पीपल सो दिस लेड्स टू द अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री. देन नेक्स्ट इज द प्लांट सपोर्ट फैसिलिटी. सिंस मोस्ट ऑफ द वर्क फॉर सीएनसी ऑपरेशन इज डन अवे फ्रॉम द मशीन सो वी हैव टू फर्स्ट मेक अ प्रोग्राम विच इज ऑल्सो डन ऑन द कंप्यूटर और वर्क सिस्टम. ठीक है और देन इट रन इन टू द सिमुलेशंस. ठीक है सिमुलेशंस फिर आप रन करके देखेंगे. देन आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ द प्रोग्राम वी कैन गो टू द मशीन एंड लोडेड इन टू द मशीन एंड द एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वर्क पीस विल बी स्टार्टेड. देन नॉट सुटेबल फॉर द लॉन्ग रन एप्लीकेशंस. नॉट सुटेबल फॉर द लॉन्ग रन एप्लीकेशंस. नॉट सुटेबल फॉर द लॉन्ग रन एप्लीकेशंस. मशीन हैज़ टू बी द मेन इम्पॉर्टेंट. मशीन हैज़ टू इंस्टॉल्ड इन एयर कंडीशन. मतलब एयर कंडीशन स्पेशल रूम्स विल बी हैव टू कंस्ट्रक्ट फॉर दिस एंड टेम्परेचर हैज़ टू मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू द मशीन एज नंबर ऑफ आईसीज आर फिटेड इन द मशीन्स विच रिक्वायर्ड कूलिंग ऑफ द आईसीज. सो इन ऑर्डर टू वी हैव टू इंस्टॉल द एयर कंडीशन इन दैट रूम. एंड नेक्स्ट वी हैव डिस्कस द पार्ट्स विच आर सूटेबल फॉर द parts suitable for CNC machines. Number one, the geometry is so complex, the quantity production of involved possibility of human error. When the part is so complex, we have the maximum possibility of the human errors in that part. So with the help of CNC machine, we can manufacture complex parts also. We can manufacture the complex parts also. Operations are set up are very costly. Operation setups are costly in other machines, we can easily do in CNC machines. For parts subjected to regular design, then where close and repetitive operations are required on the work parts, repetitive operations are required on the work part. Next is the for small and medium batches, useful for small and medium batches. Then tooling cost forms significant part of where tooling cost forms significant part of unit cost. And where tool storage is a problem. Tool storage is a problem, main problem. And inspection, when inspection cost represent a major portion of the cost, where inspection represents a major portion
ऑफ द टोटल कॉस्ट. ओके दिस इज ऑल्सो द मेन डिसएडवांटेज वेयर इंस्पेक्शंस वी हैव स्पेंट लॉट ऑफ मनी ऑन द क्वालिटी ऑफ द पार्ट्स एंड व्हेन लीड टाइम डज नॉट परमिट द कन्वेंशनल टूलिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड द ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड आर वेरी कॉम्प्लेक्स और ऑपरेशंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स. Your operations are very complex. We can use CNC machine instead of conventional machine. And where much metal removal is required, where high metal removal is required. And this is the these are the some parts which are we have to suitable for the CNC machine. Next we will discuss about the applications. What are the applications where the CNC machines are used? Applications of CNC machine. It is widely used in the aerospace industry, aerospace, defense. Widely used in the defense industry, in manufacturing units. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में हमारे ऑटोमोबाइल्स आ जाते हैं. ऑटोमोबाइल्स इन ऑटोमोबाइल सेक्टर वी कैन वाइडली यूज्ड सीएनसी मशीन्स. ओके देन पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग द पार्ट्स हैविंग वेरी क्लोज टॉलरेंस वी कैन इजीली मैन्युफैक्चर दैट पार्ट्स व्हिच रिक्वायर and parts require good quality okay large number of operations can be performed on the part in its manufacturing and to manufacture part require we can also manufacture the part which require 100% inspection as when we manufactured the part on the CNC machine very less chances of getting inspected so these are the some applications of the CNC machines in industrial we can also used in printed CNC machines are also used in PCB board that is the electrical electronic industry also uses for in the, for the manufacturing of PCB boards coil winding automobile parts drawing the blueprints of the complex shapes these are the main applications of the CNC machine and so we can have to wind up this lecture here so we can we can discuss more on the DNC machine in next lecture till then goodbye.